हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। मैं इस वक्त अपनी गैलरी में बैठा हूँ और मेरे साथ मेरे जो पहले क्लाइंट, आज से काफ़ी साल पहले जो मेरे पास सबसे इनिशियल पेंटिंग्स के ऑर्डर्स आए थे, सबसे पहले पहले एक दो तीन ऑर्डर्स जब मैं छोटे साइज़ में स्केचेस बनाता था पेंसिल के साथ, काफ़ी साल हो गए इस बात को, नबील साहब। और ये मेरे बड़े पुराने क्लाइंट, क्या ये अब तो भाई हैं। और जब आप किसी से आपका बिजनेस रिलेशन होता है, किसी से आपका सोशल रिलेशन होता है, और अच्छाई ये है कि आपका उनसे पर्सनल रिलेशन बनता जाए, तो ये मेरे पास आए हैं और इन्होंने मुझसे आज एक पेंटिंग बनवाई जो कि ये है। ये पेंटिंग अभी मैं बना रहा हूँ, अभी तकरीबन फ़ाइनल टचेज पे होंगे और अभी ये बिल्कुल फ़ाइनल नहीं हुई। तो मैं आपको मिलवाता हूँ नबील भाई से। नबील भाई से, अच्छा मैं पहले बता दूँ कि मेरी पहली मुलाकात हुई थी बहुत साल पहले, अब मैं साल नहीं बताऊँगा क्योंकि मुझे खुद कंफर्म नहीं है। ये तब सिविल हॉस्पिटल में जॉब करते थे और मैं पेंटिंग, वो जो स्केच था वो इनके पास ले के गया इन्हें प्रेजेंट करने, एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी का वो स्केच था। तो ये नबील भाई बैठे हुए हैं मेरे पास। ये जी आदिल भाई से मेरा अब तो वो बात नहीं रही कि ये कार्टूनिस्ट हैं या मतलब जो भी, मेरा प्यार का रिश्ता है इनसे। ये तो अब बड़े इनकी तारीफ इनका काम ही करता है, बाकी मेरी तारीफ ये है कि यार इन जैसा कोई नहीं है। बड़ी मेहरबानी, ये मेरे भाई हैं और जो मेरे जितने पुराने क्लाइंट्स हैं वो उतने मेरे दिल के करीब होते हैं क्योंकि ताल्लुक पुराना है और तब से ले कर अब तक हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हम एक दूसरे के साथ रबते में। तो मैं चाह रहा था कि मैं आपसे इन्हें मिलवाऊं और हम बड़ी देर से, इन्होंने मुझे एक ऑर्डर किया था पेंटिंग का, तो इन्होंने मुझे बल्कि टाइम बड़ा कम दिया, मैंने इनसे गिला नहीं किया, लेकिन इन्होंने एक दिन पहले मैंने किया कि कल मैंने चाहिए। मैं इनके पास आके पीछे दो घंटे से बैठा हुआ हूँ, इनके टाइम शॉर्ट मैंने दिया इसलिए कि आदल भाई को भी फन होता रहे और हम भी अपनी पेंटिंग बनवा लें। बट ये है कि मैंने फिर इन्हें इनकार, मेरी तरफ से मैं इन लोगों को इन्हें इनकार नहीं कर सकता, हालांकि अमूमन 15 दिन 10 दिन में मैं पेंटिंग का टाइम लेता हूँ, लेकिन इनके लिए मेरे पास टाइम है। तो इसके अलावा हमारे साथ इस वक्त उस्मान बैठे हुए हैं, उमर बैठे हुए हैं। उमर, हाउ आर यू? उस्मान कैसे हैं? अच्छा, उस्मान बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं और ये क्लास के गाँव है गुजरांवाला में, ये वहाँ से हैं। अब देखें, शर्मा रहे हैं कैमरे के सामने, अपने आप को ना सही कर रहे हैं। उस्मान कोई नहीं, कोई मसला नहीं, इजी होकर बैठो। अच्छा, तो ये उसके साथ उमर हैं और ये नबील भाई हैं और इनके साथ एक और भाई थे, क्या नाम था उनका? अब्दुल्ला इजाज। इजाज अभी बाहर गए हैं और थोड़ी देर में वो आ जाएंगे, मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूँ। ये ऑयल पेंट्स हैं और ये मेरी कुछ ट्यूब्स पड़ी हुई हैं जो मुझे चेयर पर नहीं रखनी चाहिए थी, बट और ये एक पेंटिंग है जिसे हम फाइनल करने लगे हैं अभी और नबील भाई की मौजूदगी में ये होगा।